हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दी ऑल न्यू 2020 मारुति सुजुकी ब्रीजा का VXI वेरिएंट, जो अभी फेसलिफ्ट हुआ था। सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चेंजेस आपको इसके हेडलाइट्स में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको बहुत ही सुंदर ड्यूल प्रोजेक्टर हेडलाइट्स देखने को मिलेंगे विद क्रोम फिनिश ग्रिल। ग्रिल भी न्यूली डिज़ाइन है, पिछले वेरियंट से चेंज हो गई है। अगर हम क्लोजली देखें इनको प्रोजेक्टर्स को, तो नीचे आपको इस गाड़ी में DRLs भी देखने को मिलेंगे, जो टर्न सिग्नल का काम भी करते हैं। क्रोम ग्रिल काफ़ी अच्छी लगती है, स्टाइलिश है, स्लीक कर दी गई है आगे से, जो काफ़ी देखने में सुंदर लगती है। लास्ट जनरेशन से तो ऑफ कोर्स एक स्टेप आगे ही है। ओवरऑल डायमेंशन सब गाड़ी के आपको सेम ही मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं बम्पर की बात करूं, तो बम्पर में आपको फोग लाइट्स देखने को नहीं मिलेंगी। एज एन एसेसरी आप इसको लगवा सकते हो। नीचे स्किड प्लेट नहीं देखने को मिलेगी सिल्वर फिनिश में, वो आपको टॉप एंड वेरिएंट में देखने को मिलेंगी। बट यहाँ पे आपको पूरा ब्लैक आउट बम्पर मिलेगा नीचे से, मतलब ऊपर बॉडी कलर होगा, नीचे ब्लैक होगा। उसके बाद गाइज, अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूँ, आपको 16 इंचिस के 205 टायर सेक्शन मिलेगा इस गाड़ी में, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 198 की आपको mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेंगी। क्लैडिंग्स आपको देखने को मिलेंगी व्हील आर्चिस के ऊपर, और अंडर बॉडी भी आपको क्लैडिंग्स देखने को मिलेगी, जो अंडर बॉडी डैमेज से आपकी गाड़ी को बचाएंगे। उसके बाद अगर साइड प्रोफाइल की बात करूँ, तो गाइज यहाँ में आपको टर्न इंडिकेटर्स आपको विंग मिरर्स पे ही देखने को मिलेंगे। होल प्रोफाइल लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज बिफोर। यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री का स्विच दिया गया है को ड्राइवर साइड में, और ड्राइवर वाली साइड पे तो आपको मिलेगा ही। ऊपर गाइज आपको इस वेरिएंट में ब्लैक कलर की रूफ रेल्स देखने को मिलेगी, जो काफ़ी अच्छी लगती है। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्लास एरिया देखने को मिलेगा, जिससे अंदर की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और ये एक ग्लोसी ब्लैक फिनिश दी गई है मिरर टाइप, जो पीछे आपके रियर के विंडो में या ग्लास स्क्रीन में मर्ज हो जाती है। डिफोगर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको देखने को मिलेगा इसमें या गाड़ी में, इस वेरिएंट में। नीचे आपको पार्किंग सेंसर्स है और रिफ्लेक्टर्स भी आपको मिलेंगे, और नीचे से बम्पर को पूरा ब्लैकआउट किया गया है। विक्टारा ब्रीजा की क्रोम एम्बेडेड आपको बहुत बड़ी एक क्रोम गार्निश मिलेगी। ऊपर मारुति का लोगो सुजुकी। वेरिएंट की बैजिंग नहीं की गई है गाइस, एंड यहाँ पे अब आपको नए LED टेल लैंप्स देखने को गाइस मिलेंगे। अब मैं आपको बूट चेक करा देता हूँ गाइस। बूट की बात करें, तो अब आपको इसमें 328 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा। बूटिंग लिक थोड़ा सा ऊपर को लग रहा है मुझे, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगी आपको लिफ्ट करने में। नीट एंड क्लीनली पैक किया गया है। साइड में आपको स्टोरेज थोड़ी सी मिलेगी सामान वामान रखने के लिए। बाकी आप सीट्स को पुली फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये नॉब दिया है, जिसको आप पुल करके पूरे बेंच को फोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद गाइस, कीज़ की बात करूँ, कीज़ में आपको लॉक अनलॉक का फीचर मिलेगा, उसके अलावा कोई अदर स्विच नहीं होगा। फिनिश की बात करूँ, फिनिश अच्छी है, ज़्यादा चीप नहीं लगता। सुजुकी का लोगो भी देखने को मिलेगा आपको इसके ऊपर। बाकी अब हम गाड़ी के अंदर चलते हैं। यहाँ पे आपको स्विच मिलेगा, जिससे आप गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। कीज़ आपकी पॉकेट में रहेगी। अब मैं आपको एक व्यू दे देता हूँ पूरा, कि इन एंड आउट काफ़ी इजी होने वाला है गाड़ी के, क्योंकि आप देख रहे हो कितना ज़्यादा वाइड है इसका डोर खुलता है, और अंदर बाहर आना इजी है। हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा फैब्रिक देखने को मिलेगा। ऑल फोर पावर विंडोज आते हैं, विंडो लॉक और डोर लॉक के स्विचेस भी आपको यहीं पे मिलेंगे। और नीचे आपको बॉटल होल्डर्स है, 500 ml की बॉटल आ जाएगी आपकी। इनबिल्ट स्पीकर्स है डोर पे। एंड उसके बाद गाइज, मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर मिलेगा। साइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल, यही से आप ऑपरेट करोगे। आप डायरेक्शन सेट करके यही से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। उसके बाद गाइज, यहाँ पे आपको पुश बटन स्टार्ट मिलेगा। तो गाइज, ये इसका कंसोल है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। राइट साइड में आपको स्पीडो, लेफ्ट में आपको टैकोमीटर मिलेगा। यहाँ पे आपकी इंजन टेम्परेचर गेज, और यहाँ पे आपको फ्यूल गेज दी गई है। क्लॉक का आपको यहाँ पे क्लॉक भी देखने को मिलेगी। नीचे किलोमीटर पर लीटर कितनी एवरेज देती है गाड़ी, वो स्विच है। नीचे आपके कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, यहाँ पे आपकी एवरेज किलोमीटर कितनी है, रेंज बता रहा है, और आपकी रनिंग एवरेज। तो ये फंक्शंस के साथ आएगी ये गाड़ी। दूसरी साइड भी हम नॉब है उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको दो ट्रिप मीटर देखने को मिलेंगे। सो यहाँ से आप इस चीज़ों को चेकआउट
कर सकते हैं। स्टेयरिंग की बात करूँ गाइज, आपको नॉर्मल स्टेयरिंग व्हील मिलेगा जिसमें आपको कोई फिनिश देखने को नहीं, पूरा ब्लैक स्टेयरिंग व्हील है और इसमें आपको मारुति का लोगो है। सो यहाँ पे आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल देखने को मिलेंगे जिसमें मोड है, तो आप FM AM चला सकते हो, ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, वॉल्यूम अप डाउन और ट्रैक चेंज करने के स्विचेज हैं। और ये आपके AC वेंट्स हैं गाड़ी के, काफ़ी बड़े हैं, अच्छे लगते हैं, मतलब फ्लो भी अच्छा है। पूरा हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलेगा आपको ऑल ओवर गाड़ी पे, पूरा हार्ड प्लास्टिक। बीच में आपको एक स्ट्रिप देखने को मिलेगी इस गाड़ी में, और यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश में म्यूज़िक सिस्टम आएगा जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। यहाँ पे आपको डिफरेंट मोड AM FM जैसे मोड्स भी देखने को मिलेंगे। ये आपका माइक दिया गया है यहाँ पे आपको, यहाँ से आप कॉल रिसीव कट कर सकते हो, तो मतलब आपको एक नॉर्मल म्यूज़िक सिस्टम मिलेगा जिसमें आप CD भी डाल सकते हो और अपने फ़ोन से कनेक्ट भी कर सकते हो, कॉल रिसीव पिक ड्रॉप सब कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिलेगी, फ्रंट व्यू एयरबैग्स के साथ आती है ये गाड़ी, और यहाँ पे आपके हैजर्ड लाइट का स्विच दिया गया है, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा बॉक्स है जहाँ पे आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो, और ये कूल्ड नहीं है, और एक बॉक्स आपको नीचे भी दिया गया है, और ये भी कूल्ड नहीं है, नॉर्मल बॉक्स मिलेगा आपको। ऑल ब्लैक इंटीरियर के साथ आती है ये गाड़ी, ट्विटर आपके यहाँ पे बिल्ट है साइड पे। आपको मैनुअल IRVM मिलेगा, यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिलेगा देखने को, और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको USB ऑक्स का और यहाँ पावर सॉकेट दिया गया है। नीचे आपको ऑटोमेटिक AC मिलेगा जिसके आप फैन स्पीड को मैनुअली यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, टेम्परेचर को यहाँ से सेट कर सकते हो, या फिर ऑटो पे प्रेस करके ऑटोमेटिकली अपने आप गाड़ी एडजस्ट कर लेगी टेम्परेचर। यहाँ पे थोड़ी सी आपको स्पेस देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको 5-speed गियरबॉक्स के साथ आती है ये गाड़ी, 2 cup holders आपको यहाँ पे है, हैंड ब्रेक है, यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस मिलेगी। नो आर्मरेस्ट इन दिस मॉडल, बाकी कभी होल्स आपको हर जगह पे यहाँ पे डोर्स पे मिल जाएंगे, बोतल होल्डर्स वगैरह। सो अब हम गाड़ी के पीछे चलते हैं, आपको पीछे की स्पेस दिखाते हैं। सो पीछे की डोर की बात करूँ, ये भी आपको ब्लैक फिनिश में आएगी। यहाँ पे आपको थोड़ा फैब्रिक टच देखने को ज़रूर मिलेगा इस गाड़ी में भी, और उसके बाद यहाँ पे आपको बोतल होल्डर्स भी मिलेगा। उसके बाद गाड़ी की बात करूँ, फ्रंट सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है, तो काफ़ी ज़्यादा लेग स्पेस है मुझे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम मिलेगा, ज़्यादा बड़ा हम नहीं मिलेगा। कैबिन काफ़ी ज़्यादा वाइड है, सो 3 people कैन सिट कंफर्टेबली। पीछे आपको जो हेडरेस्ट होगा वो एडजस्टेबल मिलेगा, बट यहाँ पे आपको कोई आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। बीच में आपको रीडिंग लाइट्स वगैरह प्रोवाइड कराई गई है। सो गाइज, अगर उसके बाद मैं इसके हेडरूम की बात करूँ, तो हेडरूम आप जैसे देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं आराम से यहाँ पे बैठ सकता हूँ कंफर्टेबली। हेडरूम शोल्डर रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और पीछे ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना कोई USB पॉइंट है, ना रियर AC वेंट है, और ना ही आपको बीच में आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा। बाकी आपको हैंडल बार्स यहाँ पे मिलेंगे, विद आपको यहाँ पे नॉब भी दी गई है, वे यू कैन पुट और हो कुछ, आप यहाँ पे अपना सामान वगैरह मतलब हैंग कर सकते हो। सो ये आपको मैं एक बारी पीछे से पूरा व्यू दिखा देता हूँ गाइस। ये गाड़ी का फुल डैशबोर्ड है, ऑल ब्लैक इंटीरियर में आता है, एंड ये इसका स्टीयरिंग पूरा कैसा लगता है। तो गाइज, अगर मैं इसके इंजन की बात करूँ, तो इसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा जो आपको 104 BHP एंड 138 Nm का टॉर्क देगा। 5-speed गियरबॉक्स के साथ आता है, और इसमें आपको 48 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। बाकी आपकी फिट एंड फिनिश आप देख ही रहे हो मारुति की, एंड इसमें आपको यहाँ पे पैडिंग भी देगी, इंसुलेटेड मटेरियल भी है जिससे नॉइज़ बाहर फिल्टर नहीं होगी। वैसे भी ये पेट्रोल इंजन है जो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड होगा और जिसका साउंड बिल्कुल कम होगा, बिकॉज मारुति ऑलवेज नोन फॉर इस रिलायबल इंजन, लाइक दे हैव 1.2 लीटर के सीरीज इंजन है जैसा, उसी का ये बड़ा वर्जन कह सकते हो आप। और फिलहाल ये सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में ही अवेलेबल है। प्लीज़ मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, लाइक करके जाइए वीडियो को, चैनल को बेल आइकन को क्लिक करिए, वो बहुत ज़रूरी है गाइस, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हो गाइस। तो जाते जाते फ्रेंड्स यही कहूँगा, स्टे हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ, ऑलवेज राइड सेफ, ड्राइव सेफ। लास्ट ऑफ ऑल, साइनिंग ऑफ, जय हिंद।